दोस्तों, बांग्लादेश को रौंदने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बीसीसीआई ने कर दिया है मालामाल। रविचंद्र अश्विन के साथ साथ जडेजा, जायसवाल और ऋषभ पंत पर भी हुई पैसों की बारिश। करोड़ों रुपए की धनराशि सुनकर भी आपकी चौंधिया जाएंगी आंखें। तो आखिर कौन है, बना है अवार्ड का हकदार, कितने करोड़ रुपए मिले इन खिलाड़ियों को और क्या कुछ मिला अनोखा गिफ्ट, ये सब कुछ तो हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, पहले टेस्ट मैच में भारत की तरफ से असली हीरो कौन है, बुमराह, अश्विन या फिर ऋषभ पंत? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारतीय टीम लंबे समय बाद बांग्लादेश के साथ टेस्ट मैच खेलने के लिए चेन्नई के मैदान पर उतरी थी और उतरते ही ऐसी दहाड़ लगाई कि टेस्ट मैच को चार दिन में खत्म कर 280 रनों से दर्ज की ऐतिहासिक जीत और बांग्लादेश के घमंड को चूर चूर कर दिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, इस मैच में सबसे पहले भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने का मौका मिला था। टॉप ऑर्डर भी करने के बाद अश्विन और जडेजा ने जबरदस्त खेल दिखाया। अश्विन ने शतक झड़ते हुए टीम इंडिया को संभाला और बांग्लादेश के सामने 376 रनों का लक्ष्य दिया। जवाब में बांग्लादेश की टीम बुमराह के तूफान में घुटने टेक बैठी, 149 रनों पर ऑल आउट हो गई। इसके बाद टीम इंडिया को दोबारा खेलने का मौका मिला और टीम इंडिया ने दूसरी पारी में 287 रन शुभमन गिल और ऋषभ पंत के शतक के बदौलत बनाया और बांग्लादेश के सामने 514 रनों का लक्ष्य दे दिया। जवाब में उतरी बांग्लादेश इस बार अश्विन की फिरकी में फंस गई। एक के बाद एक रविचंद्र अश्विन ने 6 विकेट उखाड़कर बांग्लादेश की कमर तोड़ दी और टीम इंडिया को 280 रनों से कभी न भूलने वाली जीत दिलाकर पूरे क्रिकेट जगत में डंका बजवा दिया। लंबे समय बाद टेस्ट मैच जीतने के बाद बीसीसीआई ने इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों पर पैसों की बारिश कर दी है, साथ ही साथ अनोखे गिफ्ट और अवार्ड्स भी दिए हैं। आपको बता दें कि इस लिस्ट में सबसे पहला नाम रविचंद्र अश्विन का है। उन्होंने भारत की पहली पारी में रविंद्र जडेजा का साथ देते हुए 113 रनों की बेमिसाल पारी खेली थी। केवल इतना ही नहीं, दूसरी पारी में अश्विन ने अपनी खतरनाक फिरकी से बांग्लादेश के 6 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया था, जिसकी अश्विन को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। इस अवार्ड के साथ साथ अश्विन को 1,00,000 रुपए का इनाम दिया गया। वहीं इस लिस्ट में दूसरा नाम यशस्वी जायसवाल का है। आपको बता दें कि जायसवाल ने मैच के दरमियान सबसे खतरनाक कैच स्लिप में पकड़ा था, जिसके कारण उन्हें बेस्ट फील्डर का अवार्ड दिया गया, साथ ही साथ उन्हें भी 1,00,000 रुपए मिले। वहीं इस लिस्ट में तीसरा नाम ऋषभ पंत का है। उन्हें कैंप ग्रेंट इंडियन स्ट्राइक रेट ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। अवार्ड के साथ साथ ऋषभ पंत को 1,00,000 रुपए भी दिए गए। ऋषभ पंत ने दूसरी पारी में बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए काम गेंद में शतक ठोककर अपना स्ट्राइक रेट मेंटेन किया, जिसकी बदौलत उन्हें यह अवार्ड दिया गया। वहीं इस लिस्ट में अगला नाम रविंद्र जडेजा का नाम शामिल है। रविंद्र जडेजा को SBI लाइफ अपनों के लिए अवार्ड दिया गया। इस अवार्ड के साथ साथ रविंद्र जडेजा को भी 1,00,000 रुपए का इनाम दिया गया। जडेजा ने बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी अपना प्रदर्शन दिखाया था, इसलिए उन्हें यह अवार्ड दिया गया। वहीं मैन ऑफ द मैच अश्विन को एक और अवार्ड दिया गया, ड्रीम 11 गेम चेंजर ऑफ द मैच का, जिसमें अश्विन को एक और अवार्ड और एक बार फिर से 1,00,000 रुपए दिए गए। इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने चौथे की दिन गेंदबाजी के दरमियान बांग्लादेश के बल्लेबाजों को घुटनों पर ला दिया था और अकेले दम पर टीम इंडिया को मैच में जीत दिलाकर पूरा पासा पलट दिया था। तो दोस्तों, ये खिलाड़ी थे जिन्होंने मैच में बाद बीसीसीआई ने उन पर पैसों की बारिश कर दी थी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि पहले टेस्ट मैच का असली हीरो कौन है, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पर पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद हेड कोच गौतम गंभीर भी हो गए भावुक और फिर कप्तान रोहित शर्मा और अश्विन को लेकर ऐसा बयान दिया कि जीत लिया करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल। तो आखिरकार बांग्लादेश के खिलाफ यादगार जीत के बाद क्या कुछ कह दिया है गंभीर ने, भावुक कर देने वाला बयान। रोहित अश्विन पर क्या बोले गौतम गंभीर, गंभीर का वो बयान तो हम आपको इस वीडियो में जरूर सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित शर्मा और गौतम गंभीर में से सबसे बेहतरीन खिलाड़ी कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारतीय टीम लंबे समय बाद बांग्लादेश के साथ टेस्ट मैच खेलने के लिए चेन्नई के मैदान पर उतरी और उतरते ही ऐसी दहाड़ लगाई कि टेस्ट मैच को चार दिन में खत्म कर 280 रनों से जीत दर्ज की और बांग्लादेश के घमंड को चूर चूर कर दिया। जी हां, आपको बता दें कि इस मैच में सबसे पहले भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने का मौका मिला था। टॉप ऑर्डर भी करने के बाद अश्विन और जडेजा ने जबरदस्त खेल, अश्विन ने शतक जड़ते हुए टीम इंडिया को संभाला और बांग्लादेश के सामने 376 रनों का लक्ष्य रख दिया। जवाब में बांग्लादेश की टीम बुमराह के तूफान में घुटने टेक बैठी, 149 रनों पर ऑल आउट हो गई। इसके बाद टीम इंडिया को दोबारा खेलने का मौका मिला और टीम इंडिया ने दूसरी पारी में 287 रन शुभमन गिल और ऋषभ पंत के शतक के बदौलत बनाया और बांग्लादेश के सामने 514 रनों का लक्ष्य दे दिया। जवाब में उतरी बांग्लादेश इस बार अश्विन की फिरकी में फंस गई। एक के बाद एक रविचंद्र अश्विन ने 6 विकेट उखाड़कर बांग्लादेश की कमर तोड़ दी और टीम इंडिया को 280 रनों से कभी न भूल पाने वाली जीत दिलाकर पूरे क्रिकेट जगत में इतिहास रच दिया, डंका बजवा दिया। और इसी के साथ अश्विन इस मैच के असली हीरो रहे, उन्हें मैन ऑफ द मैच का भी अवार्ड दिया गया। भारतीय टीम स्टेडियम में जश्न मना रही थी। वहीं टीम इंडिया की जीत से हेड कोच गौतम गंभीर भी बेहद खुश थे, उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। और हो भी क्यों ना, गंभीर ने जीत के साथ आगाज किया। मैच जीतने के बाद गौतम गंभीर ने रोहित शर्मा और अश्विन पर ऐसा बयान दिया कि वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा और लोगों को काफी पसंद भी आया। गंभीर ने जीत का पूरा श्रेय रोहित के साथ साथ अश्विन को बताते हुए बयान दिया। तो चलिए
अब हम आपको गंभीर का वो बयान सुनवा। बांग्लादेश को रौंदने के बाद हेड कोच गौतम गंभीर ने बयान देते हुए कहा कि सभी खिलाड़ियों को जीत की बहुत बहुत बधाई, हर एक खिलाड़ी ने अपना योगदान दिया, मैं काफी खुश हूँ टीम के प्रदर्शन और खिलाड़ियों के फॉर्म से। हम उम्मीद करते हैं आगे भी हम ऐसे ही सब मिलकर प्रदर्शन करते रहेंगे। इस मैच में सबसे बड़ा श्रेय जीत का श्रेय रोहित शर्मा को जाता है और अश्विन को जाता है। जिस तरह से रोहित ने कप्तानी की और जिस तरीके से अश्विन ने अपने बल्ले और गेंद से कमाल दिखाया वो काबिले तारीफ है। दोनों ही टीम इंडिया के लेजेंड हैं, उन्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि जब वो टीम में होते हैं ऐसा लगता है कि हम तो वैसे भी कोई भी मैच और कोई भी चुनौती जीत जाएंगे। हमें आगे भी अपना फॉर्म बरकरार रखना होगा और सीरीज जीतनी होगी क्योंकि हमारा मेन फोकस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पर है। हमें इस बार किसी भी कीमत पर वो फाइनल की ट्रॉफी जीतनी है। मुझे रोहित पर काफी भरोसा है कि इस टीम के साथ हम जरूर जीत सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से हेड कोच गौतम गंभीर ने बयान देते हुए हर किसी का दिल जीत लिया। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है इस मैच का असली हीरो कौन है, अश्विन, ऋषभ पंत या फिर जसप्रीत बुमराह? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शर्मनाक हार के बाद तो बांग्लादेश के ऑलराउंडर खिलाड़ी शाकिब अल हसन बौखला गए और फिर हार का बड़ा वजह बताते हुए टीम इंडिया को लेकर कहा कुछ ऐसा जिसे सुनकर आप भी हो जाएंगे तंग। तो आखिर हार के बाद शाकिब अल हसन ने भारत पर गुस्सा उतारते हुए रोहित और अश्विन पर क्या कुछ कहा, उनका वायरल बयान तो हम आपको जरूर सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भारतीय टीम बांग्लादेश को टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वाइप कर पाएगी या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों बांग्लादेश का भारत दौरा शुरू होने से पहले बांग्लादेशी टीम ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी कि वो भारत को भारत में हराएंगे, लेकिन जैसे ही उनका सच्चाई से सामना हुआ, टीम इंडिया के खूंखार शेर उनके सामने मैदान में उतरे, तो उनकी दहाड़ के आगे बांग्लादेशी खिलाड़ियों की तो पैंट गीली हो गई और उनके बड़े बड़े खिलाड़ी भारत के सामने 4 दिन भी अपनी इज्जत नहीं बचा पाए। जी हाँ, चेपाक क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश का इतना बुरा हाल हुआ कि पहली पारी में टीम इंडिया ने 376 रन अश्विन और जडेजा की लाजवाब बैटिंग के दम पर ठोक डाले, तो फिर जसप्रीत बुमराह के कहर के आगे पूरी की पूरी बांग्लादेश केवल 149 रनों पर ही ढेर हो गई। जब बारी आई तीसरी पारी की तो इस बार शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने अपने बल्ले से ऐसा तहलका मचाया कि बांग्लादेशी बल्लेबाजों को खून के आंसू रुलाते हुए गिल ने 119 तो ऋषभ पंत ने 109 रन ठोक डाले, जिसके दम पर तीसरी पारी में टीम इंडिया ने 514 रनों की लीड लेकर पारी को डिक्लेयर किया। ऐसे में बांग्लादेश के सामने 515 रनों का लक्ष्य था भारत के सामने चेस करने के लिए। अब तो बच्चा बच्चा भी जानता था कि बांग्लादेश के लिए ये लक्ष्य चेस कर पाना तो शायद 7 जन्मों तक भी पॉसिबल नहीं है, और ऐसा ही हुआ। दोस्तों बुमराह और अश्विन ने बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर धज्जियां उड़ा दी। 146 रनों पर ही बांग्लादेश ने अपने 4 बल्लेबाजों को गवा दिया। तो फिर चौथे दिन की सुबह भले ही बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने लड़ाई की लेकिन भारत के सामने उनकी एक न चली। अश्विन जडेजा ने मिलकर पूरी की पूरी बांग्लादेश को सुबह सुबह ही ऑल आउट कर डाला और इस मुकाबले को 280 रनों से अपने नाम कर लिया। फिर बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को रौंद कर इससे पहले टेस्ट मैच में इतिहास लिख दिया। केवल यही नहीं, बांग्लादेश का मुंह काला कर उन्हें ऐसे बेइज्जत किया है कि बांग्लादेशी टीम दुनिया में कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रह गई है। उनका सारा घमंड चकनाचूर हो गया है, जिसके बाद तो जश्न मनाना बनता है। लेकिन अपनी करारी हार के बाद बांग्लादेशी खिलाड़ी तो बुरी तरीके से बौखला गए हैं, यहां तक कि अब तो वही सारी खेल भावना भूल चुके हैं और बांग्लादेश के ऑलराउंडर खिलाड़ी शाकिब अल हसन ने अब टीम इंडिया के खिलाफ बगावत छेड़ते हुए ऐसा विवादित बयान दे डाला है, सुनकर तो आपको भी अपने कानों पर भरोसा नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, हार के बाद शाकिब ने बयान देते हुए कह दिया कि ये कैसी टीम इंडिया है, क्या इनकी कोई भी कमजोरी नहीं है? हमने पाकिस्तान को उनके घर में हराया था तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया था, हमने सोच लिया था कि हम भारत को भी हरा सकते हैं। पहले दिन हमने शानदार प्रदर्शन भी किया था लेकिन जिस तरीके से टीम इंडिया ने वापसी की, पहले जडेजा ने फिर अपनी बल्ले से कमाल दिखाया तो उसके बाद तो क्या ही बात करें। ऋषभ पंत और गिल ने तीसरी पारी में तीस तरीके से बैटिंग की है, वो मैच का टर्निंग पॉइंट था क्योंकि यदि हम वहां पर भारतीय टीम को जल्दी आउट कर देते तो हम ये मैच जीत सकते थे। रोहित और कोहली तो वैसे भी इस मैच में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे तो हमारे पास सुनहरा मौका था भारत को हराने का, लेकिन उनके पास युवा खिलाड़ियों के आगे हमारे सारे प्लान फेल हो गए। उनका हर एक खिलाड़ी ऐसा खेला है जैसे वो अपने आप में चैंपियन है। एक समय तो हमें लगने लगा था कि क्या दुनिया में कोई भी टीम भारत को हराने की काबिल नहीं है, टीम इंडिया इतनी खतरनाक है। लेकिन इस हार के बाद अब हमारा मनोबल और भी ऊंचा हो गया है, हम दूसरे टेस्ट मैच में जरूर वापसी करेंगे। टीम इंडिया को अभी से अपनी जीत का जश्न नहीं मनाना चाहिए। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से हार के बाद भी उनका ओवर कॉन्फिडेंस जरा भी कम नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कौन था इस मैच का असली हीरो, अपनी कीमती राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो देख पूरी दुनिया में हाहाकार मच चुका है, इन तीनों गेंदबाजों ने मिलकर बांग्लादेश को धूल चटाते हुए 2 दिन में ही कर दिया टेस्ट मैच को खत्म। तो बुमराह की कातिलाना गेंदबाजी के बाद भारत की ऐतिहासिक जीत पर भारतीय दिग्गजों ने बड़े और दिल जीत लेने वाले बयान दिए हैं। तो सचिन से लेकर सहवाग, युवराज से लेकर महेंद्र सिंह
धोनी ने क्या कहा है उसका वीडियो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी भारतीय टीम की खतरनाक गेंदबाजी से प्रभावित हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, ये तो हर किसी को पता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट मुकाबला चेन्नई के मैदान पर खेला जा रहा है। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाज